यूपी वॉरियर्स ने अपने पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स को दी करारी शिकस्त। आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दरअसल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने गुजरात जायंट्स की टीम, जो अपना पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के हाथों बुरी तरह हारी थी 143 रनों से। मुंबई इंडियंस में जिसने 207 रनों का टारगेट दिया था, गुजरात जायंट्स अपना पहला मुकाबला हार चुकी थी। दूसरा मुकाबला यूपी वॉरियर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे गुजरात जायंट्स, जिसने अच्छी शुरुआत दी और एक समय पर गुजरात जायंट्स की तरफ से काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही थी, जिसने गुजरात जायंट्स ने 172 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया। गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हरनीन देओल, जिन्होंने 32 गेंदों पर 46 रन बनाए। 172 रनों के विशाल स्कोर के सामने बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके कप्तान एलिसेली 7 रन बनाकर वापस लौट गई। सबसे ज़्यादा योगदान दिया नवरीने ने, जिन्होंने 53 रन बनाए 46 गेंदों पर। फिर एक बार यूपी वॉरियर्स की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 16 ओवर में 105 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऐसा लगा कि यूपी वॉरियर्स इस मैच को गंवा चुकी है, लेकिन उसके बाद हैरिस के तूफान ने यूपी वॉरियर्स को जितवाया मैच। हैरिस ने महज 29 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली, जबरदस्त पारी जिसमें 3 छक्के और 8 चौके लगाए। उसके बाद एल्बेस्टन, जिन्होंने 12 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली और गुजरात जायंट्स को 7 विकेटों से करारी शिकस्त दे दी। एक हारे हुए मुकाबले में हैरिस ने पूरी तरह से मैच का पासा पलट दिया और यूपी वॉरियर्स को अपनी पहली जीत दिला दी।